हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह के जो फैन रेगुलेटर है जो कि सीलिंग फैन के आते हैं और ये काफी सारे हमारे घर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं जब ये डेड हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद में आपका एक भी फैन रेगुलेटर आप कभी नहीं फेंकोगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये फैन रेगुलेटर रिपेयर करना बताऊंगा, या आप यूं मान के चलिए कि ये फैन रेगुलेटर आपको बनाना बताऊंगा। तो फ्रेंड्स यार, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह के जो रेगुलेटर है हमारे घर के अंदर खराब हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये खराब हो गए, अब इनको फेंक देना चाहिए, कोई काम के नहीं है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी अलग अलग टाइप के हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, ये देखिए है ना, और ये देखिए ये इस टाइप का है, और ये वाला ये भी इसी टाइप का है, ठीक है। ये दोनों एक है और ये अलग है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने वाला हूँ कि इन रेगुलेटरों को बिल्कुल आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। कभी भी आप इन रेगुलेटरों को खराब होने के बाद में फेंकोगे नहीं, बिल्कुल इजीली रिपेयर कर लोगे फ्रेंड्स, और ये बिल्कुल आसानी से 15 रुपये के आसपास में ठीक हो जाएंगे। तो ये दो टाइप के रेगुलेटर आते हैं, मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर, लेकिन इनकी जो रिपेयर करने की विधि है, जो फॉर्मूला है जो कि मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं ये वाला रेगुलेटर ले लेता हूं, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये चेक करवा देता हूं कि ये किस तरीके से डेड है। तो यहां पर देखिए, हमने पावर सप्लाई ले ली है और एक ले लिया है बल्ब। फ्रेंड्स, यहां पर मैं ये रेगुलेटर ठीक करने के बाद में मैं आपको फैन से भी कनेक्ट करके बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये कनेक्शन हो जाएंगे। बल्ब का एक वायर हमने सीधे रेगुलेटर में दे दिया है और दूसरा वायर यहाँ पर ऐसे के ऐसे निकला हुआ है रेगुलेटर से, और बल्ब का ये वायर यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है। इसी तरह से कनेक्शन होते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर। तो चलिए यहाँ पर मैं इनको लगा देता हूँ लाइट के अंदर, यानी पावर के अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने लगा दिया है और ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स। कोई रेस्पॉन्स नहीं है इसके अंदर, तो ये बिल्कुल डेड हो चुका है। आपका कोई भी रेगुलेटर आप रिपेयर कर सकते हो, जैसा कि मैं रिपेयर करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस तरह से हम इसको खोल लेंगे और अब देखिए यहाँ पर हम ये वाला जो नट है इसका, इसको इस तरह से खोल लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से खुल गया है, और अब यहाँ पर इसका जो अंदर वाला सामान है उसको निकाल लेंगे इस ढक्कन को खोल के। तो देख सकते हैं बिल्कुल इजीली ये निकल चुका है। चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें खराब हो जाती है। ये देखिए, सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला जो पोटेंशियोमीटर है ये अंदर से जल जाता है, और जहाँ पर इसका कार्बन नहीं जलता है वहाँ पर कई बार फैन चल जाता है और कई बार नहीं चल पाता, ठीक है। और दूसरा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये इसकी जल गई है, ठीक है। इसके जलने के साथ ही साथ और भी चीज़ें इसके अंदर ख़राब हो जाती है, तो इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसको अभी हम रिपेयर नहीं कर रहे। अभी मैं जो करने वाला हूं वो मैं खुद का इस तरह का सर्किट बनाऊंगा और हमारा ये रेगुलेटर बिल्कुल आसानी से काम करने लगेगा, और इसके सारे पार्ट्स आपको 15 रुपये के आसपास मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको रिपेयर करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर, ये मैंने लिया है 100 किलो ओम का, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहां पर हम क्या करेंगे, इस पोटेंशियोमीटर के ऊपर यहां पर हम कुछ कंपोनेंट्स और जोड़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम DB3 डायक लेंगे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, और इसको लगाएंगे हम पोटेंशियोमीटर की बीच वाली लेग पे। और अब लेंगे फ्रेंड्स यहां पर हम 33 किलो ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे पोटेंशियोमीटर की इस पिन पे।
और अब लेंगे हम यहाँ पर एक BT-136 ट्रांजिस्टर। तो ये एक ट्राइस ट्रांजिस्टर है, और फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर ये वाली जो इसकी पिन होती है फर्स्ट नंबर वाली, ये T1 होती है, और ये जो सेकंड नंबर वाली है ये T2 होती है, और जो लास्ट वाली होती है ये गेट होती है। अब देखिए हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे, जो इसकी गेट वाली पिन है वहाँ पर हम डायक को जोड़ देंगे इस तरीके से, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम इसकी बीच वाली पिन पे जोड़ेंगे यानी ट्रांजिस्टर की T2 पे। अब लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम 0.47 माइक्रोफेरेड 400 वोल्ट का PF कैपेसिटर। यहाँ पर इसकी एक लेग कनेक्ट हो जाएगी ट्रांजिस्टर के T1 पे और दूसरी लेग कनेक्ट हो जाएगी पोटेंशियोमीटर की बीच वाली लेग पे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से ये कनेक्शन कर दिया है। अब देखिए ट्रांजिस्टर के T1 और T2 पे हम दो वायर कनेक्ट करेंगे जैसा कि एक फैन रेगुलेटर में होते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिए हैं दोनों वायर, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर ये जो रेगुलेटर की बॉडी हमने निकाली थी इसके अंदर हम इसको फिट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सर्किट को डाल दिया है इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, बाकी का जो सामान है इसका वो भी हम इसके अंदर फिट कर देते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसको फिट कर देंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर इसको भी हम इस तरीके से लगा देंगे। और अब ये जो इसकी नोब है इसको भी हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं जो पोटेंशियोमीटर की डंडी है वो लंबी है, तो इसको हम कट कर लेंगे इस नोब के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया है, और अब यहाँ पर ये नोब बिल्कुल आसानी से लग जाएगी, देख सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से हमारा जो रेगुलेटर है यहाँ पर ठीक हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी करके बताने वाला हूँ, तभी आपको पता चल पाएगा फ्रेंड्स कि ये रेगुलेटर ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बल्ब चेक करवाता हूँ इससे कनेक्ट करके, और फिर करवाऊँगा फैन। तो यहाँ पर देखिए एक लेग इसकी बल्ब के साथ में कनेक्ट हो जाएगी और दूसरी वाली पावर के अंदर, और एक लेग जो बची हुई है बल्ब की जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था वो भी पावर के अंदर चली जाएगी। देखिए इस तरीके से ये कनेक्शन होंगे, और बिजली बोर्ड के अंदर भी इसी तरह से कनेक्शन होते हैं इसके। तो यहाँ पर हम पावर ले लेंगे वही, और इसको लगाऊंगा मैं अब इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं कोई लकड़ी का गुटखा वगैरह रख देता हूँ, नहीं तो हमारी जो मेट है वो ख़राब हो सकती है। ये देखिए बिल्कुल आसानी से हमारा जो रेगुलेटर है वो काम कर रहा है, और 100 वाट का यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। ये देखिए बिल्कुल जितना आपको कम करना है उतना कर सकते हो, जैसे आप धीरे धीरे करना चाहोगे वैसे हो जाएगा। और ये देखिए फुल हो गया है, और बिल्कुल लो करना चाहोगे तो बिल्कुल लो हो जाएगा। ये देखिए मैं एक बार अंधेरा करके आपको बताता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो रेगुलेटर है वो काम कर रहा है। ये देखिए ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं आपको फ़ैन चेक करके बताता हूँ इसके द्वारा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सीलिंग फ़ैन ले लिया है, देख सकते हैं, और इसके कनेक्शन करता हूँ मैं इसके साथ में। ये देखिए एक वायर कोई सा भी हम रेगुलेटर के साथ में कनेक्ट कर देंगे, और एक वायर को हम लाइट में लगा देंगे, साथ ही यहाँ पर जो बचा हुआ फ़ैन का वायर है उसको भी हम लाइट के अंदर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे दोनों तार।
देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो फैन है वो इस रेगुलेटर के साथ में काम कर रहा है। ये देखिए फुल पे कर देता हूँ, फैन पुराना है और आवाज़ भी कर रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। चलिए इसको मैं कम कर देता हूँ, ये देखिए अब देखिए वापस से मैं इसको चालू करता हूँ और इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ। ये देखिए अभी बिल्कुल स्लो है, देख सकते हैं। और अब मैं इसको फास्ट करता हूँ, तो जितना चाहे उतनी स्पीड आप कर सकते हैं, क्योंकि यार रेगुलेटर का काम तो यही होता है। लेकिन ये रेगुलेटर हमने बनाया है तो एक बार चेक करना ज़रूरी था। और अब हम बिल्कुल कम कर देते हैं, यानी बंद। तो यार फ्रेंड्स आप इसी तरीके से और भी फैन रेगुलेटर बिल्कुल आसानी से रिपेयर कर लोगे। और अगर आप लोगों के भी कोई सलाह या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर से बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।